Hey guys, welcome to the my new vlog. आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। Long time ago. हाँ, long time ago. माता पार्वती और शिव जी दोनों साथ रहते थे, कहाँ? कैलाश पर्वत पर। एक दिन क्या हुआ, शिव जी को ना किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। तब माता पार्वती घर में क्या थी, अकेली थी। तब ना उन्हों कोई ऐसा नहीं था जो उनका जो है देखभाल कर सकता था। मतलब ये कि जब वो कुछ काम करती थी तो वो चाहती थी कि कोई रहे जो गार्ड बन करके उनके केव यानी गुफा के बाहर खड़ा रहे। तो ऐसा विचार लेकर उन्होंने क्या किया, जब वो स्नान कर रही थी ना, तब उन्होंने अपने हैंड पे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया और लेकर के ऐसे करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। और मैं माता पार्वती जो है वो उन्होंने किया क्या किया, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया अपने हैंड में और भगवान से प्रार्थना किया। और जैसे उन्होंने अपने आईज को ओपन किया, उन्होंने देखा एक यंग बेबी उनके सामने खड़ा है। तब उन्होंने क्या किया, उस यंग बेबी को देखा और वो खुश हो गए। उस यंग बेबी ने माता पार्वती के पेट को टच किया। पता है कैसे टच किया? आओ पैर लाओ अपना। माता पार्वती ने कैसे टच किया, माता पार्वती के पैर को गणेशा ने कैसे टच कर किया था, ऐसे करके टच करके प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। कैसे आशीर्वाद दिया? हाँ, माता पार्वती ने ऐसे आशीर्वाद दिया। और उसका बात आ गया था वो काली बत्ती की। तब जाकर के माता पार्वती ने गणेशा का नाम, उस यंग बेबी का नाम गणेशा रखा। आपका नाम बेबू जैसे मम्मा ने रख दिया ना, वैसे ही गणेशा का नाम माता पार्वती ने गणेशा रखा था, है ना? बहुत समय बीता। ये गणेशा क्या करते थे ना, गणेशा जो है वो माता पार्वती का गार्ड बन के रहते थे। जैसे केव के बाहर वो रहते थे, अंदर माता पार्वती रहती थी। और पता है गणेशा का टाइम कैसे बीतता था, या तो वो लड्डू खाते थे, नहीं तो वो सो जाते थे। ऐसे उनका टाइम बीत रहा था। बहुत टाइम बीता तो शिवजी घर वापस आए, बट गणेशा को तो पता नहीं था शिवजी के बारे में और माता पार्वती ने भी नहीं बताया था। तो शिवजी ने देखा, जब वो वापस आए शिवजी, तो दोनों ने देखा क्या कि एक यंग बेबी उनके घर के बाहर खड़ा है। तो उन्होंने क्या किया पता है आपको, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे केव के बाहर क्यों खड़ा हो, यानी मेरे गुफा के बाहर क्यों खड़ा हो? तो तुम हटो यहाँ से और मुझे अपने गुफा के अंदर जाने दो, यानी कि मुझे अपना घर जाने दो। तो बेबो यहाँ पे आके बोली, शिफ्टी क्या बात है, गणेशा मेरा घर छोड़ रहा है। तो एक यंग बॉय को बोला मैंने कि मेरा एक ब्लॉक वाला ये दो, जिसकी मैं ऐसे ऐसे करूंगा, कलर मैच कराऊंगा। अब तो ऑर्डर कर दिया उसने। हाँ, उन्होंने क्या किया शिव जी ने, फिर शिव जी ने मेरे लिए ये ऑर्डर कर दिया। आपके लिए ये ऑर्डर कर दिया शिव जी ने? हाँ। आयु भैया ने आके दे दिया मुझे। ये तो बहुत सुंदर किया है शिव जी ने आपके लिए ऑर्डर। अब आगे की स्टोरी सुना। हाँ? अब आगे की स्टोरी सुना। एक और शिव जी, अच्छा जब शिव जी को गणेशा ने घर के अंदर नहीं जाने दिया, तो शिव जी ने क्या किया था गणेशा के साथ? हाँ बेटा, क्या किया था गणेशा के साथ? उनके पास एक ट्राइडेंट था, यानी कि त्रिशूल था। उन्होंने उस त्रिशूल से गणेशा के नेक के पास जोर से मारा कि गणेशा का नेक अलग हो गया और बॉडी अलग हो गई और जमीन पे गिर गया। मैं हूँ मम्मा। मैं क्या हूँ? मैं शिव जी हूँ। आप शिव जी हो? हाँ, मैं तुम्हारा नेक काट।
दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने मुझे देखा। नहीं आ रही थी मेरे घर तो मैंने तुमको इसलिए काटा। मैं तो रह गई, अब मैं माता पार्वती रह गई। शिव जी आपने क्यों मेरे गणेशा को उनका सर काट दिया? क्योंकि वो मेरे हाउस में जा रहा था। तो शिव बट मैंने आपको बताया है मैंने उसे कैसे बनाया था, क्या मैं बताऊं? मैंने ना थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया था और आराधना किया था जिसके वजह से वो यंग बेबी आकर के मेरे आंखों के सामने खड़ा हुआ और मैंने उसका नाम गणेशा रखा था। और पता है वो हमारे केव के अंदर केव के बाहर हमारे गार्ड बन के रह रहा था और उसको मैंने अपना बेटा बना लिया। आपने ऐसा क्यों किया सिद्ध जी? क्योंकि वो मेरे हाउस में जा रहा था। आपको आपके घर नहीं आने दे रहा था? नहीं। बट शिव जी मैं ऐसे नहीं रह सकती, प्लीज आप मेरे गणेशा को जिंदा करो। आप अपने गार्ड को बोलो कि वो किसी का भी सर ला करके उसमें जोड़ दे। मैं एलिफेंट ब्रश सर लेके आया था। ठीक है, वो तो एलिफेंट ब्रश सर लगा यहाँ पर है, ले लो। थैंक यू शिव जी, आपने मेरे गणेशा को ठीक कर दिया। थैंक यू शिव जी, अब हम तीनों फैमिली हैं। ठीक है शिव जी, बट माता पार्वती शिव जी नहीं बोलती थी, माता पार्वती बोलती थी महादेव। थैंक यू महादेव, आपने मेरे गणेशा को ठीक कर दिया। उसके लिए मेरे निक पे क्या है देखो, स्नेक है। हाँ। आप शिव जी को तो आपके लिए नेक पे स्नेक है। हाँ। ऐसे ऐसा है। हाँ। ओके। और मेरे पास एक बंदा हुआ ऐसे डमरू है। डमरू ऐसे बजाते हैं? हाँ। ओके। और ये ऐसे बाला तलो बाला तो डैन है। ओके। ट्राइडेंट भी है? हाँ, ट्राइडेंट भी है। ओके मेरे भी। लगी।